जी। अच्छा चिरोजी, ये जो नगर पालिका का पानी जो है 20 वर्षों से सजौर ग्राम सभा में गिराया जा रहा है, इससे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? ऐसे दिक्कत बा, किसान खेती नहीं कर पावत, रात में सुतल आदमी तो बदबू देता, सूत नहीं पावत, मच्छर के बीमारी बा, नल का पानी खराब हो जाता, कुआं का पानी खराब हो जाता, बहुत एकरे रहले से बहुत बीमारी डाला। नाम है कन्हैया पांडे। कन्हैया जी, आपके ग्राम सभा में विगत 15-20 वर्षों जो नगर पालिका के मलमूत्र को पानी गिराया जा रहा है, इससे क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? सबसे पहली बात तो ये पानी जो दूषित पानी जल आ रहा है जल नगर पालिका का, इसे पूरा ग्राम पंचायत ही बीमारी की चपेट में है। पूरा जल यहाँ प्रदूषित हो चुका है। इसके बारे में कई बार यहाँ के ग्राम पंचायत के जो हमारे प्रधान हैं उनके द्वारा, ग्राम जो है कि जनता के द्वारा DM को, नगर पालिका अध्यक्ष को लिख के दिया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, सजौर तो मेरा ओरिएफ गांव है, लेकिन नगर पालिका का पानी वहां बह रहा है ये हमारे संज्ञान में नहीं है। आप लोग संज्ञान में ला रहे हैं तो इसकी मैं स्वयं जाँच करूँगा, और जाँच करने के बाद अगर बात सही पाई गई तो संबंधित के से अनुरोध किया जाएगा कि वो अपना पानी अपने क्षेत्र में बहावे या उसकी व्यवस्था करें। सर, ये नगर पालिका क्षेत्र का पानी जो है, एक गांव इसी बगल में सजौर, वहाँ पे निकलता है, जिससे उस पूरे गांव का हैंडपम्प का पानी दूषित हो गया है और गांव के लोग भी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं? देखिए, रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका में जल निकासी एक समस्या है। जल निकासी के लिए पूर्व में भी कई प्रयास किए गए हैं, वर्तमान में भी प्रयास किए जा रहे हैं, योजनाएँ बनाई जा रही हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं, सजौर का प्रकरण आपने संज्ञान में लाया है, तो सजौर में एक नाली का निर्माण जल निगम द्वारा, उनकी संस्था CNDS द्वारा करवाया जा रहा है, जो कभी पूर्ण नहीं हो सका है। उक्त संबंध में जल निगम से पत्राचार किया गया है, और उक्त नाले के निर्मित होने के बाद जो समस्या जिसको आप संज्ञान में ला रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि उसका काफ़ी हद तक समाधान हो जाएगा।